टॉपिक्स हम लोग देखेंगे, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, थ्रोम्बोपोइसिस क्या होता है वो लोग देखेंगे। थ्रोम्बोपोइसिस एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स में आपको आ सकता है। और इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि जो थ्रोम्बोपोइसिस को कंट्रोल या रेगुलेट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं शॉर्ट नोट्स में। तो थ्रोम्बोपोइसिस दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इन, या हम बोलेंगे प्लेटलेट्स। तो बोन मैरो में जब प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, जो जैसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट का जो प्रोडक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है, उस प्रोसेस को, उस कंप्लीट प्रोसेस को जो बोन मैरो के अंदर हो रही है, कॉल्ड थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस कहाँ होती है? बोन मैरो में होती है। कौन सी बोन मैरो में होती है? रेड बोन मैरो में होती है। येल्लो बोन मैरो में कभी नहीं होती है, रेड बोन मैरो में होती है। एक आप याद रखें कि इनिशियल स्टेज ऑफ जो होती है लाइफ, या बेबी जैसे बर्थ होता है, तब पूरी की पूरी बॉडी की जितनी बोन मैरो होती हैं वो रेड बोन मैरो होती है, और पूरी की पूरी ब्लड सेल्स फॉर्म करती है, खासकर प्लेटलेट्स या मेगाकेरोसाइट्स को भी फॉर्म कर सॉरी थ्रोम्बोसाइट्स को भी वहाँ पर क्या होती है, फॉर्म करती है। और इन जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं इनको फॉर्म करने के लिए रेड बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल होती हैं पूरी की पूरी। लेकिन जैसे जैसे एज निकलते जाती है, आपकी जो रेड बोन मैरो है वो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होने लगती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट। फैट जमा होने लगता है तो रेड येलो में कन्वर्ट हो जाती है, और येलो जो होती है वो इनएक्टिव बोन मैरो होती है, वो ब्लड सेल्स फॉर्म नहीं करती हैं। और लगभग 20 साल की उम्र में आपका जो 50% ऑफ बोन मैरो होता है रेड होता है, एंड 50% ऑफ बोन मैरो कैसा होता है? येलो होता है। इसका मतलब जो रेड बोन मैरो 50% है, मतलब 50% बोन मैरो ही कैसा होता है? एक्टिव होता है। और उस रेड बोन मैरो से ही क्या फॉर्म होती हैं? आपकी प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स फॉर्म होती हैं। तो बोन मैरो कौन सी रोड बोन मैरो? रेड बोन मैरो है। इस रेड बोन मैरो में टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स होती है, टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स होती है। टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स जो है वो काय में कन्वर्ट होती है? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स में। काय में कन्वर्ट होती है? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स में। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो होती है कन्वर्ट होती है कमिटेड स्टेम सेल्स में। काय में कन्वर्ट होती हैं? कमिटेड स्टेम सेल्स में कन्वर्ट होती हैं। और जो फाइनली फॉर्म करती हैं कमिटेड स्टेम सेल्स, मतलब ये फॉर्म होंगी, मतलब एग्जैक्टली कौन सी है आपकी? मायलॉइड सीरीज है, मायलाइट सीरीज है, या मायलाइट कमिटेड स्टेम सेल्स होती हैं। ये जो कमिटेड स्टेम सेल्स होती हैं बायफ्रकेट हो जाती हैं, दो सेल बनाती हैं, एक लिम्फॉइड बनाती है और एक बनती है मायलाइट। तो मायलाइट जो कमिटेड स्टेम सेल्स होती हैं वह एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? थ्रम्बोसाइट्स के फॉर्मेशन के लिए या थ्रम्बोपोइसिस के लिए। तो जो मायलाइट कमिटेड स्टेम सेल्स होती हैं वो फॉर्म करती हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स करेंगी, फाइनली क्या में कन्वर्ट हो जाएंगी ये, या फॉर्म करेंगी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। और ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स जो है वो कन्वर्ट होगी प्रो मेगा कैरियो ब्लास्ट में। काय में कन्वर्ट होगी? प्रो मेगा कैरियो ब्लास्ट। मेगा कैरियो ब्लास्ट जो कमिटेड माइलॉइड कमिटेड स्टेम सेल्स हैं वो कन्वर्ट होंगी कॉलोनी फॉर्मिंग में। और वो कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स जो या वो कॉलोनी फॉर्मिंग जो सेल्स होती हैं, यूनिट्स जो होती हैं जो मेगा कैरियोसाइट्स के लिए होती हैं, वो वाली जो कॉलोनी फॉर्मिंग जो यूनिट है जो मेगा कैरियोसाइट्स के लिए होती हैं, वो काय पहले क्या बनाएंगी? सबसे पहले कन्वर्ट होंगी काय में आपकी? मेगा कैरियो ब्लास्ट सेल बनाएंगी। प्रो मेगा कैरियो ब्लास्ट सेल से क्या होगा? मेगा कैरियोसाइट्स बनेगा। मेगा कैरियोसाइट्स जो है वो लार्ज जाइंट सेल में कन्वर्ट होगा, जाइंट सेल में कन्वर्ट होगा, लार्ज जाइंट सेल में कन्वर्ट होगा। एंड फाइनली जो है वो क्या फॉर्म करेगी? मेच्योर प्लेटलेट फॉर्म करेगी, या मेच्योर थ्रम्बोसाइट फॉर्म हो जाएगा। ये जो मेच्योर में आपका जो मेगा जो आपका थ्रम्बोसाइट है या प्लेटलेट है वो फाइनली क्या होगा? बोन मैरो से डिस्चार्ज होकर कहाँ चले जाएगी? साइनोसॉइट्स ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो के साइनोसॉइट्स होते हैं वहाँ पर चले जाएगी, और वहाँ से फाइनली कहाँ एंटर करेगी? वो ब्लड में एंटर करेगी। ठीक है, फिर से एक बार हम देखते हैं। रेड बोन मैरो टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, कमिटेड स्टेम सेल्स। कौन सी कमिटेड स्टेम सेल्स होगी? मायलॉइड
सीरीज या माइलॉइड कम्यूटेटेड स्टेम सेल्स होगी, उससे क्या बनेगा, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स फॉर्म होगी स्पेसिफिक फॉर के किसके लिए, मेगाकैरियोसाइट्स के लिए, इससे फॉर्म होगा, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से फॉर्म होगा प्रो मेगाकैरियोब्लास्ट होगा, प्रो मेगाकैरियोब्लास्ट से प्रो से फॉर्म होगा, मेगाकैरियोसाइट्स फॉर्म होगा, लार्ज जाइंट सेल्स फॉर्म होंगी एंड फाइनली आपका मैच्योर प्लेटलेट्स बनेगा। और फाइनली जो मैच्योर प्लेटलेट्स है वो कहाँ पहुँचेगा, बोन मैरो की साइनोसॉइड्स में पहुँच जाएगा और वहाँ से डिस्चार्ज होकर फाइनली कहाँ पर हो जाएगा, वो पम्प हो जाएगा कहाँ पर, ब्लड में आ जाएगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग कि पूल्स ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स कहाँ कहाँ आपको ज़्यादा मिलती हैं। 75% जो प्लेटलेट्स होती हैं वो है वो ब्लड पूल जो होता है, ये टोटल जो प्लेटलेट्स होती हैं 75% जो होती हैं वो हमारे ब्लड में होती हैं। तो सबसे जो लार्ज पूल होगा 75% का वो ब्लड में होता है, फिर बहुत स्मॉल नंबर में जो होता है बोन मैरो पूल होता है स्टार्टेड इन अर्ली एंड वेरी स्मॉल होता है, एंड जो 25% जो पूल होता है वो स्प्लीन में होता है, 25% जो होता है स्प्लीन होता है। तीन जगह होते हैं, स्मॉल होते हैं, तीन पूल होंगे बोन मैरो पूल, ब्लड पूल एंड स्प्लीन, ठीक है, जहाँ पर आपके प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं या वहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं। तो स्मॉल क्वांटिटी में होता है कहाँ पर, बोन मैरो में, लार्ज क्वांटिटी मतलब 75% जो होता है वो होता है आपके ब्लड में, एंड जो 25% जो होता है वो होता है स्प्लीन में, ठीक। ये जो ब्लड में 8 से 10 दिन 8 to 10 days प्रेजेंट होती है, ये हम बोलेंगे प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन होती है 8 to 10 days का होता है, ये ब्लड स्ट्रीम में 8 to 10 days रहती हैं, ठीक है। इसके बाद जब ओल्ड होने के बाद ये फेगोसाइट्स बाय मेगा मैक्रोफेज ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन की मैक्रोफेजिस के द्वारा क्या होते हैं, फेगोसाइट हो जाते हैं, जैसे ही ओल्ड होती हैं उसके बाद इनको ये डेड हो जाती हैं। क्यों 10 दिन में मर जाती हैं, डेड हो जाती हैं, क्योंकि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसमें रिपेयर प्रोटीन फॉर्म नहीं हो पाएगा, प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए जितना भी इसमें जो प्रोटीन होता है, जो एंजाइम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ड्यूरिंग थ्रोम्बो जो पॉइसिस की जो प्रोसेस है उसके दौरान ही हो जाते हैं, यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता, कोई नया मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं, जो कुछ है यही फॉर्म हो जाता है, यहाँ पर फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ओल्ड जो प्लेटलेट्स हैं वो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस से मैक्रोफेज ऑफ स्प्लीन से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, ठीक है, जैसे RBC होती है। तो ये आपका है थ्रोम्बोपोइसिस प्रोसेस। इस थ्रोम्बोपोइसिस की प्रोसेस को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, पहला है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स हैं उसके लिए होते हैं, एंड दूसरा होता है थ्रोम्बोपोएटिन, दूसरा होता है थ्रोम्बोपोएटिन। दो ये इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो थ्रोम्बोपोइसिस को या प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन को बोन मैरो में रेगुलेट करते हैं। तो जो कॉलोनी फॉर्मिंग या कॉलोनी स्टिमुलेटिंग जो फैक्टर्स हैं वो एग्जैक्टली क्या है, इंटरल्यूकिंस हैं, क्या हैं वो एग्जैक्टली इंटरल्यूकिंस हैं, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, इंटरल्यूकिन टू, इंटरल्यूकिन सिक्स एंड इंटरल्यूकिन इलेवन, इंटरल्यूकिन फर्स्ट टू सिक्स एंड इलेवन, ये इंटरल्यूकिंस होते हैं और ये स्टिमुलेट करते हैं किसको, फॉर्मेशन ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट्स के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं, एग्जैक्टली कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स को स्टिमुलेट करते हैं, और जो इसको स्टिमुलेट करेंगे फाइनली क्या फॉर्म कर देगी, वो मेगाकैरियोसाइट्स फॉर्म कर देगा। तो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं वो कौन से हैं, इंटरल्यूकिंस हैं, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, इंटरल्यूकिन टू, सिक्स एंड इलेवन, जो क्या होंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स को स्टिमुलेट करते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स को फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा बात करेंगे इंटरल्यूकिन टू की, बात करेंगे इंटरल्यूकिन जो टू है मार्केट में अवेलेबल है, सिंथेटिक फॉर्म में अवेलेबल होता है, जब किसी पेशेंट की या किसी व्यक्ति में या ह्यूमन में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1.5 लाख to 4 लाख पर क्यूबिक mm, ये वैल्यू होती है।
इससे कम होगा तो हम इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और मोर देन 4 लाख होगा तो हम इसे बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, 1.5 से कम होगी आपकी प्लेटलेट्स हम उसे बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलेंगे, एंड जब 4 लाख से ज़्यादा होगी, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होगी तो थ्रोम्बोसाइटोसिस हम उसे बोलते हैं। लेकिन यदि किसी में बहुत सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलता है तो उस कंडीशन में बाहर से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए, मतलब लार्ज नंबर में प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, प्लेटलेट्स काउंट को इनक्रीज करने के लिए सिंथेटिक फॉर्म में इंटरल्यूकिन 2 जो है मार्केट में अवेलेबल है, तो उस इंटरल्यूकिन 2 को बॉडी में इंसर्ट कराया जाता है, दिया जाता है बॉडी में ताकि वो जाएं बोन मैरो में और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स को स्टिमुलेट करें एंड मेगाकैरियोसाइट्स को फॉर्म करें, प्लेटलेट्स को फॉर्म करें एंड फाइनली वो प्लेटलेट्स के नंबर को इंक्रीज करें। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे जनरली जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बहुत कॉमनली हमको मिलता है एंटी कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट, एंटी कैंसर ट्रीटमेंट्स में जब क्या होता है उनकी बॉडी के प्लेटलेट्स डाउन होने लगते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के चक्कर में, कैंसर ट्रीटमेंट अपन देते हैं सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एबनॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, इससे प्लेटलेट्स के नंबर कम हो जाते हैं जिसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलेंगे। एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन में कैंसर के पेशेंट को आपको इंटरल्यूकिन 2 देना होता है, वो साथ में दिया जाता है ताकि उसके प्लेटलेट्स काउंट कैसे रहें, मेंटेन रहें और जो उसकी क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो नॉर्मल बैलेंस में बनी रहे। ठीक है, आगे बात करेंगे थ्रोम्बोपोइटिन। थ्रोम्बोपोइटिन एक स्पेसिफिक टाइप का हार्मोन होता है, जैसे एरिथ्रोपोइटिन होता है आरबीसी के लिए, वैसे थ्रोम्बोपोइटिन होता है प्लेटलेट्स के लिए जो लीवर से एंड किडनी से प्रोड्यूस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गवर्नमेंट जॉब का, कहाँ प्रोड्यूस होता है, लीवर से भी बनता है एंड किडनी से बनता है। एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से बनता है, वन एंड ओनली किडनी से बनता है, लेकिन थ्रोम्बोपोइटिन जो होता है लीवर और किडनी दोनों से बनता है। और जो मैचुरेशन ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स, जो मेगाकैरियोसाइट्स होती हैं उनको मैच्योर करने में, बोन मैरो के अंदर मेगाकैरियोसाइट्स को मैच्योर करने के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन होता है, थ्रोम्बोपोइटिन होता है। इसके अलावा बात करेंगे जब इसके प्लेटलेट्स काउंट जब क्या होते हैं ब्लड में कम होते हैं, प्लेटलेट्स के नंबर जब क्या होते हैं ब्लड में कम होते हैं तो थ्रोम्बोपोइटिन का जो लेवल होता है ब्लड में ज़्यादा होता है, थ्रोम्बोपोइटिन का लेवल ज़्यादा होता है। जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा इसका मतलब है थ्रोम्बोपोइटिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में थ्रोम्बोपोइटिन निकलेगा, ज़्यादा थ्रोम्बोपोइटिन बोन मैरो में जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेगाकैरियोसाइट्स क्या करेगा वो मैच्योर करने में, उनको मैच्योर प्रॉपर फंक्शनिंग मैच्योर करने में हेल्प करेगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो है आपका फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं थ्रोम्बोपोइसिस को। ठीक है, दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है थ्रोम्बोपोइसिस का, गवर्नमेंट जॉब में भी क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में भी शॉर्ट नोट्स में आपको आ सकता है, थ्रोम्बोपोइटिन आ सकता है शॉर्ट नोट्स में, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स आ सकता है, फैक्टर कंट्रोल द थ्रोम्बोपोइसिस वो आपको आ सकता है, फिर ये प्रोसेस आपको आ सकती है, पूल्स ऑफ बोन आपके जो है प्लेटलेट्स वो आ सकते हैं, कहाँ कहाँ होता है ये आपको पूरा कम्प्लीटली प्रेजेंट होता है, पता होना चाहिए नॉर्मली आपको एग्जाम के व्यू से, गवर्नमेंट जॉब के व्यू से।